हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं बताऊंगा गेट के फिजिक्स के सिलेबस में। जो गेट का फिजिक्स का सिलेबस होता है, जो आपका एग्ज़ाम होता है, इसका जो सिलेबस है वो आपके जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस से कम है। मीन्स ये आपका जो पेपर होता है नेट के एग्ज़ाम से इजी भी होता है, और इसमें जो सिलेबस मेंशन किया है आपका वो भी कम है। इसमें आपके टोटल क्या है, 8 सब्जेक्ट हैं जो आपके मेंशन किए हैं। आपके जो नेट के एग्ज़ाम में हैं वो सब्जेक्ट क्या है, वहाँ पर आपके 9 मेंशन किए हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है, सभी। उसके बाद क्वांटम हो गया आपका, उसके बाद आपका हो गया थर्मोडायनमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स जो आपके एडवांस में आते हैं नेट में। उसके बाद आपका सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यही आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, दोनों आपके क्या होते हैं, कंबाइन किए हैं उन्होंने। वहाँ पर आपका क्या होता है, सॉलिड स्टेट, यहाँ पर लिखा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। वहाँ पर आपका क्या है, कंडेंस मैटर होता है, ठीक है, जहाँ पर आपके क्या है, दोनों सब्जेक्ट ये कंबाइन किए हुए हैं, बस यही डिफरेंट है। और देख सकते हैं जहाँ पर आपका सिलेबस है जो, ठीक है, बहुत बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू नेट एग्ज़ाम के। लास्ट में आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स हो गया। अभी इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा आपके टॉपिक है। इसमें देखिए मैथमेटिक्स फिजिक्स में आपके जो हैं, ठीक है, लीनियर वेक्टर स्पेस आपका हो गया जो स्टार्टिंग में, ठीक है, ठीक है, भी आपके वहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है, कंप्लीटनेस, रैमन कंडीशन, कॉची थ्योरम। मीन्स ये आपका होता है जो आपका जो इसमें जो पेपर आता है गेट का, मैंने 2 बार क्लियर किया है ये फिजिक्स का एग्ज़ाम, तो मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं कहता हूँ कि जो आपका जो पेपर होता है बहुत इजी होता है, ठीक है, बेसिक होता है पेपर आपका। और आपका जो इतना होता है कि अगर आपने अच्छी तरह तैयारी की है या अच्छी तरह से आपने पढ़ा है BSc और MSc में स्पेशली, कई बार आपका क्या है, +2 में भी होता है मेन टॉपिक आपके होते हैं। एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका क्या है, प्रीवियस ईयर आपका जो पेपर है एक फिजिक्स गेट का, वो पूरा आपको मैं शो कर दूंगा, ठीक है, उसमें आपको ये शो कर दूंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए आपका, इसमें आप सिंपल आपका सिलेबस ऐसा है कि आपका MSc लेवल और BSc और इवन कई बार +2 में भी आ जाता है आपका, ठीक है, पर जो आपका जहाँ पर मेंशन है जैसे कॉची थ्योरम हो गया, ठीक है, ये आपने करने ही करनी है क्योंकि ये तो आपको श्योर है इसमें आ सकता है, ठीक, कॉची हो गया, रायमन हो गया, लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो गया, ये तो आपने करने ही करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का आपका जो मोस्टली आता है लग्रेंजियन वाला आ जाता है आपको, लग्रेंजियन वाला आपको जरूर आता है, और मास एनर्जी इक्वलेंस, ठीक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे मास एनर्जी इक्वलेंस आ गया आपका, ठीक है, रिलेटिव डायनामिक्स में भी आ जाता है, श्योर है आपको, बस जो आपका सिलेबस मेंशन किया है उसमें ही आता है, लग्रेंजियन में आ सकता है आपका और सेंटर फोर्स में भी आ जाता है। हैमिल्टन तो है ही आपका इंपॉर्टेंट नेट के लिए भी और गेट के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपका जो होता है, जो आपका EMF वेव्स होता है ना, उसमें बहुत आता है, ठीक है, मैंने 2 बारी पेपर दिया है, जो आपका देखो लास्ट में इसमें मेंशन किया है ना, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, रेडिएशन ऑफ ए मूविंग चार्जेस, ये तो आपका श्योर है कि आपका EMF वेव्स में एक क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है। और इसमें ऊपर जो आपका है डायलेक्टिक कंडक्टर, ये सभी आपका सिलेबस आपका BSc का है, ठीक है, लेवल का है, आपने BSc में पढ़ा होगा ये सभी, ठीक है, बी मैक्सवेल क्वेश्चंस, ये भी आपने क्या है वहाँ पर पढ़ा होगा BSc में, ठीक है, 4 मैक्सवेल क्वेश्चन है, मतलब ये होता है कि आपने BSc का जो आपके सब्जेक्ट है इसमें जो भी आपकी बुक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की होगी, ठीक है, क्लासिकल की होगी, मैथमेटिक्स की है, जी अच्छी तरह करनी है। मैथमेटिक्स से चलो नहीं होगा आपका, आप MSc का देख सकते हैं, पर जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला पोर्शन है वो आपने BSc की बुक से अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि मोस्टली उसमें ही आ जाते हैं आपके, उसमें जो आपका MSc का जो न्यू टॉपिक होगा आपका ये होगा, ठीक है, कूलम एंड लॉर्ज टिगर गॉजिस, ये आपके लिए न्यू टॉपिक होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें भी आपका क्वांटम मैकेनिक्स आपका क्या है, थोड़ा सा BSc लेवल का भी आपका होगा, मतलब काफ़ी वैसे, और MSc लेवल का बहुत होता है इसमें, ठीक है, MSc लेवल का आपका जैसे
आपने एंगुलर मोमेंटम वाला किया होगा, ठीक है, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसके बाद आपका पर्टर्बेशन थ्योरी, इसमें भी आ जाता है आपका, पर पेपर आपका इतना डिफिकल्ट नहीं होता, इजी होता है, ठीक है। आपकी मैं एक अलग वीडियो बना लूँगा जिसमें आपका क्या है, जो पूरा पेपर प्रीवियस ईयर आपका पेपर है वो आपको मैं शो कर दूँगा, ठीक है। इसमें आपका जो नेक्स्ट आ गया आपका थर्मोडायनामिक स्टैटिकल फिजिक्स, ठीक है, इसमें देख सकते हैं आपका, ये भी बहुत मतलब सिंपल होता है। इसमें जो आपका है फर्मी एनर्जी हो गया, आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया, इसमें बहुत आता है, बोस आइसन कंडेनसेशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हो गया, जो आपके सिलेबस नेट में सिलेबस मेंशन ही है, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो ये अपने आप हो जानी है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं फेज कोरियम, क्रिटिकल पॉइंट्स, ये इजी है आपके लिए, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है जी। उसके बाद आपका आ गया एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, आपका जो बीएससी लेवल की बुक है वो भी पढ़ सकते हैं। इसमें जो आपका देखो जी मन स्टार इफेक्ट है वो आपने बीएससी में भी किए होंगे, ठीक है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक्स, ठीक है, इसमें ये बहुत आ जाता है, रमन इफेक्ट और एनएमआर, ईएसआर, ठीक है, और लेज़र में भी आता है आपका पॉपुलेशन इन्वर्शंस, टू एंड थ्री लेवल सिस्टम, ठीक है, ये भी आ जाना है। और उसके बाद आपका क्या सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, नेट के एग्ज़ाम में आपका क्या होता है, कंडेंस मैटर फिजिक्स होता है, जहाँ पर आपका, ठीक है, जहाँ पर आपका क्या होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, आपका क्या होता है कंडेंस मैटर लिखा होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग पूछना होता है, पर जहाँ पर आपका क्या है सिंपल आपका कंबाइन किया उन्होंने, और इसमें आप देख सकते हो कि आपका सिलेबस बहुत ही कम है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का तो मैं आपको कहूँ कि आपने बीएससी की किताब अच्छी तरह कर लेनी है, ठीक है, उसमें भी मोस्टली आता है। इसमें आपका देखिए जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है वो टोटली आपका क्या है, जो आपने बीएससी में पढ़ा होगा वो ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपका क्या हो सकता है एमएससी में आ सकता है, अगर आपने बीएससी की किताब अच्छी तरह की है तो आई एम श्योर कि आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स का आपका पोर्शन क्या होगा अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप टॉपिक देख सकते हो एलिमेंट ऑफ क्रिस्टोग्राफी जो आपके फर्स्ट आते हैं, ठीक है, क्रिस्टल का रिलेटेड जो होता है आपका रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है, जो भी आपके होते हैं, ठीक है, पैकिंग क्लोज पैकिंग जो भी आपका होता है, एफसीसी बीसीसी। उसके बाद आपका डायरेक्शन डायरेक्शन मेथड्स और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, ठीक है, लोई मेथड जो आपने किए होंगे, और बॉन्डिंग सॉलिड्स ये कम आता है, ठीक है। इसमें जो आपका आ जाता है मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपका मोलिटी एंड इफेक्टिव मास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर में एक श्योर है आपका, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दो ही, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया, आगे चलते हैं डायलैक्टिक एंड मोनेटिक प्रॉपर्टी, इसमें आपका एक श्योर क्वेश्चन है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है सुपर कंडक्टिविटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी आपकी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसमें भी आपको क्या है क्वेश्चन जरूर आना है, टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर, ये आपने बीएससी में पढ़े होंगे। उसके बाद आपका मेजनर इफेक्ट, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपको क्या है क्रिटिकल फील्ड से अगर नीचे आता है वो क्या है डायग्रामेटिक बन जाता है सुपर कंडक्टर, ठीक है, लंडन क्वेश्चन, ये आपने एमएससी में किए होंगे, ये आपके लिए न्यू है। और इलेक्ट्रॉनिकल सेवस देखिए आपका सिंपल है, जो आपने बीएससी की इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, डायोड हो गया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया, फील्ड इफेक्ट हो गया, ठीक है, इसमें फिल्टर बहुत आते हैं, ठीक है, फिल्टर एंड ऑसिलेटर्स, फ्लिप फ्लॉप भी आपके आ जाते हैं, एक्टिव फिल्टर हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, लॉजिक गेट्स जरूर कर लेने आपने, ठीक है, लॉजिक गेट्स में आपका ऐसा होता है कि आपका एंड नॉट जैसे आपका सिंपल होता है ना, उसमें थ्योरम यूज करते हैं डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है, उसमें आ जाता है। और लास्ट में आपका आता है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है जो आपका है इसमें शेल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, शेल मॉडल, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया सिंपल आपका बाइंडिंग एनर्जी क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स, ठीक है, लिक्विड ड्रॉ मॉडल भी कई बार आ जाता है, ठीक है, लिक्विड ड्रॉ मॉडल में कौन कौन से हैं, सेमी एम्पिरिकल फार्मूला, उसका न्यूक्लियर शेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन रिलेटेड आए हैं, तो आपने इसकी तैयारी भी कर लेनी है। ठीक है, न्यूक्लियस सेल मॉडल, उसके बाद आपकी कंजर्वेशन लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कोई आपका कोई रिएक्शन लिखा होगा, उसने पूछना है कि इसमें कौन सी क्वांटिटी कंजर्व है, आपका बेरियम नंबर, स्ट्रेंजर नंबर्स, ठीक है ऐसे। और लास्ट में एक्सेलरेटेड रिएक्टर जो कमी आते हैं इसमें, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपने जरूर कर लेना। और आपने ये याद करना है कि ईच पार्टिकल का आपको क्या हो, पार्टिकल जैसे होता है उसमें बेरियम नंबर होता है, स्ट्रेंजर नंबर होता है, वो आपका कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंजर नंबर ऑफ ओमेगा। ठीक है, ओमेगा का आपको पता होना चाहिए, जैसे ठीक है -3 होता है स्ट्रेंजर नंबर्स, उसका क्वार्क मॉडल भी आ जाता है। कंपोजिशन पूछ लेते हैं कई बार, मीन्स आपका ये पूछ लेते हैं कि पाई मीजोन की कंपोजिशन क्या है, वो किससे बना होता है। ठीक है, आपको पता है कि पाई मीजोन क्या होता है, टू पार्टिकल से बना होता है, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क्स ऐसे। तो ओवरऑल आपका जो सिलेबस होता है, ठीक है, फिजिक्स का, वो गेट के एग्ज़ाम से इजी होता है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका गेट एग्ज़ाम इजी हो जाना है। ठीक है, मतलब मैंने जब एमएससी करते करते वक्त मैंने दिया था, उस वक्त ही मेरा गेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, क्योंकि मैंने प्रॉपर प्लानिंग की थी। आप अगर आपने गेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है गेट के, ठीक है, वो रिवाइज करो मैक्सिमम, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के जैसे ही आते हैं। ठीक है, थोड़ी सी स्टेटमेंट आपका डिफर हो सकता है, पर आपके जो होते हैं मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो सिमिलर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के होते हैं वैसे ही आते हैं। ठीक है, लास्ट में बेस्ट ऑफ लक, अगर आप नेट नेट और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगी हो, ठीक, कुछ भी आपको सीखने के लिए लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सोचते हैं कि वीडियो औरों के लिए भी अच्छी है, तो आपके फ्रेंड को भी शेयर करें। थैंक यू।